कौन है मुंबई वाला? 12? हाँ मैं हूँ, क्या है? साफ सुथरा बंगाली मछली लेकर आ रहा है। एक्सक्यूज मी, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम न्यू टू दिस प्लेस, आई वुड लाइक टू हैव अ रूम फॉर रेंट, कैन यू हेल्प मी? अरे रे रे, আপনি বাংলায় বলুন, বাংলা। এ দেখুন কেমন টাটকা মাছ কিনে নিয়ে এসেছি বাজার থেকে একদম, আপনি কেমন পাবেন না, আমাকে বলে এটা দিয়ে দিয়েছে। ম্যাটার কা লেন্থ থোড়া লম্বা হ্যায়, থোড়া কাট করেঙ্গে প্লিজ। কেটে কেটে, দাদা কি বলছেন, এ মাছটা আপনি কেটে কেটে খান না। রুম দিলানে কা তো মাছলি লে জানে কে লিয়ে কে রহা হ্যায়, ইয়াহাঁ ইয়েহি পরম্পরা হোগি, ঠিক হ্যায় লে জাতা হুঁ। এ কি করছেন কি, কি করছেন কি, হ্যাঁ এটা আমার মাছ, এটা আপনার মাছ নেই, আপনি বাজারে চলে যান না, সেখানে পেয়ে যাবেন, এটা কি নিয়ে ঝামেলা করছেন কেন? নমস্তে। पता नहीं क्या बोल रहा था, अब किससे जाकर पूछूं? अरे भाई साहब, दादा हे बगा, मी इकडे मुंबई हून आलो। ओडी बाबा, मुंबई से आया है तुम, मराठी भाषा हमको खूब भालो लगे, मतलब अति सुंदर लगे, उधर का मिशल पाओ, करेक्ट करेक्ट, लेकिन मुझे भालो खूब स्वादिष्ट लगे, तो तुम कुछ कह रहा था। मुझे कैसे समझाऊं, मुझे बंगला, समझ गया, बंगला, बंगला का बात करता है। मुझे घर, घर चाहिए। ओ घर चाहिए, ओरे बाबा घर तो मिलेगा। हाँ जी। पर धर्मतल्ला में डेढ़ करोड़। अरे बाप रे, लगता है यहाँ तो अपना काम नहीं बनने वाला, ऊपर से ऐसे लोग मिल रहे हैं, लगता है ये तो मुझे ही बेच देगा। नमस्ते जी, अब तो इशारों की भाषा ही काम आ सकती है। की होलो, की बोलचे, की खूब भालो हयेछे, खूब भालो हयेछे, भगवान तुमार मंगल करुन। सुनिए, मेरे टैलेंट का दिया उसने रेम्यूनरेशन। रख लो। इनकी भाषा मुझे नहीं आती, मेरी भाषा इन्हें समझ में नहीं आती, वॉट टू डू? अब तो कोई हिंदी समझने वाला मिले तभी बात बनेगी, पर इतने बड़े शहर में हिंदी समझने वाला ढूंढूं कहां?
गाना बहुत अच्छा है। कांता खूब भालो है जी। क्या गाना है? सुभान अल्लाह, क्या गाना है? बहुत अच्छे से गाया बेटा। गुरुजी, मैंने ये गाना आप ही के लिए गाया और आप जा रहे हैं मेरे लिए? हाँ गुरुजी, इस महानगर में हिंदी समझने वाले को ढूंढने के लिए मैंने गाने का सहारा लिया और आप मिल गए। बहुत अच्छी बात। थैंक्स गुरुजी। कहाँ से हो तुम? मैं मुंबई से हूँ, यहाँ कुछ काम से आया हूँ। काम खत्म होने तक मुझे यहीं पर रहना है, इसीलिए मिडिल क्लास एरिया में कोई रूम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं बन रही। अगर आप हेल्प कर दें तो। यहीं पास में एक टोलीगंज है, उस एरिया में एक रविंद्र अपार्टमेंट है, वहाँ पे तुम्हें रूम मिल जाएगा। थैंक यू। और हाँ, उसका मालिक भी मुंबई का ही है। ये तो और भी खुशी की बात है। यहीं से ना। हट जा, मेरा पास आ रहा है, हट जा, कोई बीच में नहीं आएगा वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं। हट जाओ, जल्दी हटो, चलो चलो, हट जाओ। ये क्या, इतना पावरफुल डायलॉग मारा पर किसी ने रिएक्ट ही नहीं किया? ओहो, ये बंगाली लोग है ना, हमारी भाषा समझ नहीं आई। हट जाओ, बस आ रहे हैं। क्या हुआ बॉस, भीख छोड़ के भाग क्यों रहे हैं आप? अरे भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा, पर इनसे भाड़ा मांगने से डर लग रहा है। क्या बॉस, बिल्डिंग आपकी खुद की है, किराए मांगने में डरते क्यों हैं आप? अरे कलकत्ता वालों के बारे में तू नहीं जानता, नया है ना, भाड़ा मांगूंगा तो बैंड बजा देंगे मेरा। एक तरकीब है। वो क्या है? किराया मांगते हैं तो वो लोग बैंड बजा देते हैं ना। वही तो मांगना छोड़ दीजिए। अबे तेरी तो, चल भाड़ा मांगते हैं। कश्मीरी बॉम्ब रेडी है ना? रेडी। माँ जी, अम्मा जी, कुछ पैसे दे दीजिए माँ जी। चलो, आगे जाओ। यार ये औरत हमें आगे जाने के लिए कह रही है, हमें भिखारी समझ रही है यार। ठीक है तो मांग रहे हैं। माँ जी, हम भिखारी नहीं है, इस घर का मालिक है। ओ, अच्छी बात है, ठहरो आती हूँ। रुकने के लिए कह रही है, लगता है भाड़ा मिल जाएगा। कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बैंड बजने के पूरे चांसेस है। कत्ल कर दूंगा तेरा। आगे आगे। जीती रही, जीते रहो माँ जी, जीती रही है माँ जी, जीती रही है, जीती रही है माँ जी। माँ जी, बाबू जी, रेंट दीजिए बाबू जी। कीचा, रेंट दीजिए बाबू जी। रेंट? और रेंट फेंट पावे ना जाओ, झूठ बोले खाने गोंडोगोल कर ले, पाँव टा भेंगे हाथे दिए दी। वो रेंट चाहिए फुट। अरे भाड़ा बाबू जी, भाड़ा मांगता है। चल फुट, रेंट फेंट किचू नहीं। देखा तूने, ये तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। कश्मीरी बॉम्ब निकाल, निकाल कश्मीर का बॉम्ब, अभी बता दे इसे, निकाल। क्यों बे, बहुत उछल रहा है तू, पैसे मांगने पर तू हमारे हाथ पैर दांत सब तोड़ देगा। अभी के अभी पैसे निकाल, जल्दी निकाल खीसे से, जल्दी। देख क्या करता है, जल्दी कर, हट बेवकूफ। देखा, कश्मीरी बम का कमाल, मार डालूंगा, खचक 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 काट डालूंगा। अब चले यहाँ से, दूसरा घर देखते हैं। माँ जी, हमको रेंट चाहिए माँ जी, हमको रेंट चाहिए माँ जी। दादा मैं साफ कर रही हूँ, बाद में आइएगा। ये काम हम करते हैं माँ जी, आप अंदर से जाकर ले आइए, जाइए। आजा बेटा आजा, तेरी मम्मी गई पैसा लेने, हमको मिलेंगे पैसे। अरे ठीक से डालना, हरे हरे नोट आएंगे। रुक गया, डालना, डाल रहा हूँ। टिंग डिंग 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 डिंग। हाँ ये लीजिए। वो सो रहे हैं, भाड़ा शाम को लीजिए। ये रख लीजिए। इसने ये 10 रुपए किस लिए दिए? 10 रुपए धोने के लिए दिए होंगे। अबे सुलभ शौचालय हूँ क्या? चल यहाँ से। इना चोल बे, 6 महीना बीत गए, अभी तक भोड़ा नहीं दिया। नो, खाली कर दो। हाँ खाली कर दो, हाँ खाली कर दो। सुनिए सर, सर आप ही से कह रहा हूँ, सिर्फ एक मिनट। बॉस, कोलकाता में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला पहली बार मिला है। सुनो भाई। नमस्ते जी, मेरा नाम रामकृष्णा है। यहाँ कोई रूम किराए पर मिलेगा क्या? मुझे तो ये आदमी मुंबई का ही लगता है। इसका चेहरा तुमने ध्यान से देखा, कितना रफ टफ दिख रहा है। हमें मुंबई का जान के ये भी फोकट में रहेगा। अभी मैं प्योर बंगाली जैसा एक्ट करता हूँ, तुम मेरा साथ देना। क्या हुआ सर, आप ही से पूछ रहा हूँ। की चाहे तुम्ही की जिनिस कोर्चो है, अमी बूझ चे पावे ना। सर मुझे बंगाली नहीं आती, हिंदी में बात कीजिए ना। हिंदी?
अरे इस शहर में हिंदी कौन बोलता है? हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। केनो हिंदी आमी बोल पाबे? सर मुंबई के होकर भी ऐसे बंगाली बोलकर मुझे क्यों सता रहे हैं? हम बनारसी बाबू हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर, सफेद दाढ़ी मन के राइटर। सुनो मोरे बंदूरे। अच्छा, लेंथ बढ़ा रहा है, कट करता हूँ। बोल रहा है कट करेगा, क्या कट करेगा ये? क्या मालूम? अरे बेवकूफ, तुझी से कह रहा हूँ मूर्ख, अपशगुन व्यक्ति, सर्वमांस भक्षी, जैसे उल्लू पक्षी, ये बन जाएगा तेरी मौत का साक्षी। ओह, क्या पंच है, क्या काव्य मालिका है, क्या रसवंती कविता है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, हम रेंट लेने को जाता है। माँ जी, इतनी गालियां सुनकर भी इस पर असर नहीं हुआ? मोटी चमड़ी वाला लगता है, इनकी लेंथ को किसी और तरीके से कट करता हूँ। अम्मा जी मास, अरे बाप रे, कमर टूट गई मेरी रे, रेंट लेने नहीं आऊंगा अभी। अरे ये केला खाकर किसने फेंका था, लगता है नहीं चल पाऊंगा कभी। क्या हुआ मास्टर? हाय 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 हाय, कमर टूट गई। क्यों मास्टर, कमर टूटने पर ही हिंदी बाहर आती है क्या? हिंदी हिंदी कथा बोलछे, आमी हिंदी ते कुछ बोलते पारी? कमर तोड़ दूंगा। वो तो पहले से ही टूट गई है। हम भारतवासी हैं, हिंदी बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए मास्टर जी, मैंने सही कहा ना? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा हमारे भारत की शान है। शाबाश, अब तक ये नाटक क्यों कर रहे थे? अरे हम तुम्हें क्या बताएं, मेरे बाप ब्रिटिश जमाने में उनकी गुलामी करते थे, उनसे पाई हुई बख्शीश को इकट्ठा करके इस अपार्टमेंट को बनवाया था। इसके बनते ही भगवान ने अपने अपार्टमेंट में बुला लिया। इसे बेचता हूँ तो कोई खरीदता नहीं है, भाड़ा मांगने जाता हूँ तो कोई देता नहीं है। मुंबई से हूँ ना मैं, बंगाली बाबुओं ने मुझे फुटबॉल बना के रख दिया है, इसीलिए बंगाली भाषा में हर महीने भाड़ा मांगना पड़ता है। माँ जी, अम्मा जी, मुझे अगर रूम दोगे तो बिना भीख मांगे पहली तारीख को किराया मिल जाएगा। तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो फिर लेकिन कोई रूम भी तो खाली होना चाहिए। वाला रूम दे देते ना। अरे कौन सा रूम दे दूं मास्टर, हम दोनों मुंबई के हैं, आप भी मना करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा प्लीज। अरे बेटा, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। अरे चले, वो चौथे मंजिल वाली ने पूरे 6 महीने हो गए भाड़ा नहीं दिया है, ना तो वो हमें भाड़ा दे रही है और ना ही खाली कर रही है। वो दे दे। हाँ ठीक है, एक कमरा मिल सकता है, लेकिन उस कमरे को खाली करवा के लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ओके 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 है तो 1000 रुपए एडवांस में तो दो, जल्दी निकालो। मुर्गा फंस गया। ये रखो एडवांस, अब ठीक है। कमरा कहाँ है? सामने है। थैंक यू। ए सुधा, हाँ? शाम को बाजार आ रही है ना? हाँ हाँ, दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी मेम साहब, मैं आमी एखाने मुंबई ते कमरा। आपको जो भी बोलना है हिंदी में बोलिए। हिंदी? हाँ हिंदी। अरे ये हुई ना बात, मैं तो डर ही गया था। अब कहीं जाकर कोई मिला है बात करने के लिए? पता नहीं आप यहाँ भाषा जाने बिना कैसे गुजारा करती हैं, मेरी तो जान ही निकल गई। वैसे मैंने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मेरा नाम है राम कृष्ण। हाँ, आज सुबह ही मैं मिल से उतरी हूँ। करेक्ट, ये सब आपको कैसे पता? हैरानी की बात है। वैसे कहीं आप जादू टोना या जंतर मंतर तो नहीं जा? वो सब छोड़िए और मुद्दे पर आइए। ओके आता हूँ। ये कमरा मैंने किराए पर लिया है, अब आप एग्जिट लें तो मैं एंट्री मारूं। आपसे किसने कहा कि मैं ये कमरा खाली कर रही हूँ? गुरुजी ने कहा ना? अरे वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, आप जैसे भोले भाले लोगों को उल्लू बनाते हैं। वैसे मेरा ये कमरा खाली करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने कमरा किराए पर लिया तो आपको खाली करना पड़ेगा ना? हाँ, अभी अभी हावड़ा मेल से उतरे हो और तुम में इतनी अकड़ है। मैं तो यहाँ इतने दिनों से हूँ, मुझ में कितनी अकड़ होगी सोचो। मैं कमरा खाली नहीं करूँगी, समझे? अरे ओ सुभद्रा देवी, मेरा वो नाम नहीं वो है। जो भी हो, तुम्हें इतना उछलने की कोई जरूरत नहीं। कमरा अगर खाली नहीं किया तो झगड़ा हो जाएगा, समझे ना? अरे रे रे रे, इतनी सी बात पर झगड़ा क्यों करना? आपने ये कमरा किराए पर ले लिया है ना? करेक्ट। तो मुझे इसे खाली करना होगा। करेक्ट, वही तो मैं चाहता हूँ। मैं ये खाली नहीं करूँगी। सही बात है, एक भोली भाली अकेली लड़की से ऐसे कमरा खाली करवाना ठीक बात नहीं है ना? हाँ, पर मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ के घसीटते हुए चौराहे पर छोड़ दूंगा तुम्हें। देखो हाँ, मैं भी तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, मैं ये कमरा खाली नहीं करूँगी। हाँ, मुझसे ये नहीं होगा।
आपका ये प्रॉब्लम है ना, आपसे नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। जस्ट गिव मी टू मिनट्स टाइम, पूरा कमरा खाली कर दूंगा। रुको रुको, आप देखती जाओ। अरे रुक जाओ। अरे ये क्या जबरदस्ती है? इसे जबरदस्ती नहीं, अपना हक छीनना कहते हैं। रुको मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। बुलाओ। दादा, दादा, दीदी, दीदी, देखो, देखो एक की खोरची, आमके रूम ठीके, बाहरे खोरची, आमके बाहरे खोरची, आमके हेल्प करो, आमके हेल्प करो। ये क्या गुंडागर्दी है? अरे आरुष कहिए ना, क्या करें? क्या? तुम्हें तुम्हारे घर से ये बाहर कर देगा? इसकी बहुत हिम्मत हुई। आमी सोबाई तुम्हारा सोंगे अच्छी। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। पैसा निकाल, पैसा। क्या? पैसा, पैसा, पैसा। कश्मीरी बम तो निकाल, जल्दी दे। पैसा। चल रहे। ये लोग फिर से आ गए। देखो प्लीज प्लीज प्लीज, ये लोग गुंडे हैं, मुझे अंदर जाने दो। पिछले महीने मैंने इन्हें पैसे नहीं दिए थे, अगले महीने दूंगी ऐसा कहकर इन्हें भगाया था। अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो ये मुझे उठा कर ले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा, अब तुम जाओ। ऐसे कैसे बोल सकते हो, हम दोनों मुंबई के हैं ना। अच्छा, मुंबई वाले तो अपना दम दिखाते हैं ना। कोई जरूरत नहीं, सुनो ना प्लीज। अरे नहीं, अरे क्या कर रहे हो, मुझे अंदर आने दो। दरवाजा मत बंद करो, वो लोग मुझे उठा के ले जाएंगे। अभी अभी तुम्हें गुस्सा आया था ना, तो वो गुस्सा ना जाकर उन पर उतारो, वो लोग डर के मारे यहाँ से भाग जाएंगे। प्लीज प्लीज, मुझे कुछ नहीं करना, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। चल दे दे दे, देखो वो वसूली करने आ रहे हैं, प्लीज कुछ करो। देखो वो लोग आ भी गए, कुछ करो ना प्लीज। ए, तू क्या हीरो है? ए, मैंने खाया कश्मीरी बॉम्ब, काम कर रहा है उधर। भाई रामकृष्णा, मुंबई का पावर जरा इन गुंडों को दिखा दो। पकड़ 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 उसको, पकड़ जा जल्दी। ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि ये विकेट गिराएगा, ये तो रन आउट हो गया। अरे भाग रे, जल्दी निकल। Pitch is very nice, just like Eden Garden. क्या? Pitch बहुत अच्छा है। अब खेलेंगे खेल। आजा। Oh!
इधर देख। बच्ची को बचा लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद मुंबई वाला 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 जिंदाबाद। बेटा, यहाँ रहने वाले गरीब और कमजोर लोग उन गुंडों से बहुत परेशान थे। तुमने बहुत नेक काम किया। सुनो, आप हमारे घर में रुक जाइए और आपको किराया देने की भी कोई जरूरत नहीं है। हटिए हटिए, क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे घर में रहोगे तुम। नो रेंट, फ्री फूड, डबल कॉटेज, मैं छत पे सोऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। पैसे रखो, पैसे रखो। तुम्हारी बात नहीं देखकर डर के मारे वो लड़की खुद कमरा खाली करके चली गई। अब तुम वहां रह सकते हो। ये लो चाबी। क्यों सुभद्रा देवी? मेरा नाम वो नहीं है। ओके ओके, नाम में क्या रखा है? बताओ कहाँ जा रही हो? नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। वैसे बहुत बड़ा शहर है और ये दुनिया कैसी है ये तो पता ही होगा। वैसे तुम देखने में तो गोल मटोल टमाटर की तरह दिखती हो, अगर किसी के हाथ आ गई तो चबाकर खाने में देर नहीं करेगा। इसलिए हम दोनों एक ही कमरे में एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, अगर तुम आना चाहो तो आ जाना। मुझे आपके साथ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं आऊंगी। भैया, आपने मेरे बेटे को बचाया, और लीजिए ना। अरे बस 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 बहन जी। दादा, ये रसगुल्ला लीजिए ना। आप लोगों के बंगाली पकवान अब बस खाओ ना दादा, खाओ। जाइए यहाँ से। बाय दादा। बहन जी, थैंक यू। बाय दादा। हम जाते हैं। आपके लिए मैंने मछली बनाई है दादा, खाइए ना। अरे बस बस बस, वैसे ये सब मुझे दादा दादा कह रही हैं। मैंने वो फाइट की थी, क्या ये उसका असर है? ऐसा कुछ नहीं है, बंगाली में दादा का मतलब भैया होता है। ओहो, मैं भी दादा हूँ, मुझे भी सब यही बुलाते हैं। आज तुम्हारी वजह से बंगाली खाने के साथ साथ मुंबई के खाने का आनंद मिला। अभी चलता हूँ भाई। हाँ, अरे हाथ तो बड़ा चले। चलो चलते हैं, बहुत खा लिया। अरे सुनो, तुम देखने में एक मीठे खुशबूदार रसीले आम की तरह है, और वो एक तेज धार वाले चाकू की तरह है। एट एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। तुमसे उम्र में बड़ा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, खुशबूदार रसीला आम और चाकू। भाई वाह, खाना मजेदार था। खाना खाने के बाद मुझे फल खाने की आदत है। घर में कोई आम वाम है क्या? चाकू मेरे पास पड़ा है। पद्मावती, बाहर बहुत ठंड है, क्यों यहाँ सो रही हो? तुम भी अंदर सो सकती हो, इसमें गलत क्या है? ये बिस्तर मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। मेरे? गुड नाइट। आम खाओगी? मुझे आदत नहीं है। खुशबूदार रसीला आम और चाकू। वैसे तुम आधी रात को कहाँ गए थे बताओ? मैं आधी रात को? नहीं नहीं, यही कुंभकर्ण की तरह पड़ा हुआ था। मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ कि आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी।
मैंने आपको जाते हुए देखा था। देखा था तो फिर गया होऊंगा। अरे रे रे रे, आप बाहर गए और आपको पता भी नहीं? हाँ जी, मुझे नींद में चलने की आदत है। हाँ? स्लीप वॉक। अरे बाप रे। हाँ, इसी तरह नींद में चल के न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को फिनिश। हाँ? हाँ, यही मेरा वीक पॉइंट है। वैसे कल रात को मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया ना, बच गया। कम से कम तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया, मेरे लिए इतना काफी है। हाँ आ रहा हूँ। क्या हुआ? प्रकृति का बुलावा आया। प्रकृति? बाप रे, आजकल तो किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, पर मैं क्यों डरूं इससे? मैं तो समझदार हूँ। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, पर कहाँ जा रहे हैं? इस बारे में तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके साथ नहीं आने वाली। थैंक्स। पर मंदिर आ रही हूँ। पद्मा, रो क्यों रही हो? पद्मा, क्या हुआ? अरे क्यों रो रही हो, कुछ बताओ तो। किसी ने देख लिया तो सोचेगा मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है, अब बोलो तो। वासु यहीं पर गुम हुआ था। वासु गुम? अच्छा, वासु 2 साल का था या 5 साल का? 25 साल का। 25 साल का घोड़ा था वो गधा। और वासु को अगर गधा या घोड़ा बोलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बोलूंगा। वैसे ये वासु कुमार है कौन? वासु मेरा होने वाला पति था। पति? पति पत्नी। ओहो, तुम्हारी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेंथ ज्यादा होगी तो भी चलेगा, डिटेल में सुनाओ। सुनाती हूँ। 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा, और उससे भी गहरा हमारा प्यार है। हम दोनों मुंबई के रहने वाले हैं। हमारे प्यार में बहुत रुकावटें आईं। हमारे घर वाले हम दोनों के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए, पर उनकी वजह से हमने अपने प्यार को खत्म नहीं किया। और खत्म करते भी क्यों? आखिर हम दोनों ने सच्चा प्यार किया था। दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए या चाहे प्रलय आ जाए, हमने ठान लिया कि हम अपने प्यार को अमर करके रहेंगे। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर और अपने घर को और घर वालों को छोड़कर हम दोनों हावड़ा मेल पकड़कर यहाँ आ गए। किसी मंदिर में जाकर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, ऐसा सोचा था पर हो नहीं पाया। वो शादी का इंतजाम करने मुझे यहाँ छोड़कर अकेला ही गया था। उस वक्त नवरात्रि का त्योहार चल रहा था, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। उस भीड़ में वो कहीं गुम हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे पद्मा, ये वासु यहाँ से भागते वक्त, सॉरी बेचारा गुम होते वक्त, क्या उसके पास तुम्हारी कोई चीज थी? थी ना, मेरे सारे जेवर उसी के पास थे। हाँ, मुझे लगा ही था। बेचारा उसे उठाने में उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, है ना? बेचारा पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा होगा। बेचारा? हाँ बेचारा। क्या बेचारा, वो तुझे उल्लू बनाकर तेरे जेवर लेकर यहाँ से भाग गया होगा। वैसे भी उस गधे, देखिए वासु के बारे में और एक शब्द मत बोलिएगा। नहीं बोलूंगा। वासु हीरा है, वो हीरा है, पता है आपको? नहीं पता। इतने वक्त साथ रहा पर मुझे कभी नहीं छुआ उसने। छूने के लिए तेरे जेवर जो थे, तुझे क्यों छूता भला? जो भी हो, वासु ने बढ़िया दिमाग लगाया, तुझे बढ़िया उल्लू बनाया, अब वो भला क्या लौटेगा? मेरी बात मान लो और फौरन अपने घर लौट जाओ। फिर भी उसके पीछे पागल हो तो यही गंगा बह रही है डूबने के लिए। तुम्हारी सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्यों पद्मावती? हाँ? कॉलोनी के लोग जन्माष्टमी की तैयारियां कर रहे हैं और तुम यहाँ ये बक्सा खोलकर बैठी हो। तुम्हें जो बताया उस पर यकीन नहीं है ना? मुझे यकीन दिलाने के लिए प्रोग्राम करोगी क्या? तुम्हें यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी दिलाऊंगी। वो सब तो ठीक है पद्मावती, पर ये वासु नाम का प्राणी करता क्या था? रिकॉर्डिंग डांस। रिकॉर्डिंग?
रिकॉर्डिंग डांस। ओहो, मुझे लगा ही था। तभी तो उसने तुझे रॉन्ग स्टेप करवाया। रॉन्ग स्टेप नहीं, राइट स्टेप। और तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे वासु को जिस हीरो की तरह बोलो बिल्कुल उसी की तरह डांस करता था। अगर फिल्मों में जाता तो कितना फेमस हीरो होता पता है? बेचारा। अब वो बेचारा तेरे जेवर बेचकर ऐश कर रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमेशा मेरे वासु की बुराई क्यों करते हो? हमारा प्यार कितना गहरा था ये पढ़ के देख लो। बहुत गहरा प्यार है, मेरा नाक डूब गया। अब उसकी बुराई करना छोड़ो, पहले तुम ये वाला खत पढ़ो। उसने इसे खून से लिखा है। किसका मर्डर करके? मर्डर करके? मुर्गी या बकरे का? चुप बैठो, उसने अपने खून से लिखा है, पढ़ो ना। बाप रे, ऐसा फंसाया क्या? इसीलिए तुम दिल हार बैठी थी ना? मैं ऐसे ही अपना दिल नहीं हार बैठी, वो मेरे लिए कविता भी लिखता था पता है। गुरुजी इतने टैलेंटेड हैं क्या? क्या लिखा है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है, आप ही पढ़ो। मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? तुम ही पढ़ो, मैं सुनता हूँ। मेरी प्यारी प्यारी पद्मावती, जब से तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। कुछ नहीं, बस रोग हो गया। अब ऐसे बीच में मत बोलो प्लीज, मैं पढ़ रही हूँ ना, सिर्फ सुनो। अच्छा, पढ़ो पढ़ो। पद्मावती पद्मावती, तेरा गोरा चेहरा देखते ही मेरे दिल की है घंटी बजी। अब जल्दी से बता दे कब होगी हमारी शादी। और वैसे ही मारी गई तेरी मती। रामकृष्ण जी, और नहीं तो क्या? कुत्ते के बारे में लिखा है, ये कोई कविता नहीं है, बकवास है ये। मेरा लेटर क्यों फेंक दिया तुमने? कुछ भी लिखता है, मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। अरे ये तो जोक था। मत करो प्लीज। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? सुनो पद्मावती, सुनो तो, मैं तो जोक मार रहा था। नमस्ते दादा। नमस्ते। अबे देख रहा है, मेरी इज्जत कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये इज्जत आपके लिए नहीं है, रामकृष्णा के लिए है। जानता हूँ। हाँ। वैसे रामकृष्णा से याद आया, वो कलकत्ता किस लिए आया है? ना नौकरी ना व्यापार। हाँ? कुछ मिस्ट्री लगता है। हाँ? किस लिए आया है वो? पूछ क्या था? हाँ? ये तुम्हारा बचपना है, हमने अगर उसे पूछा तो एक तुम्हें देगा एक हमें देगा घुमा के, बोल जाओ उसे। अरे बाप रे। ये कौन है? अरे तू इसे नहीं जानता क्या? इसका नाम सुनते ही कलकत्ता के लोग थर थर कांपते हैं। तो डर किस बात का? रामकृष्णा है ना। रामकृष्णा ने तो चिल्लरों की धुलाई की थी, पर ये तो पूरा थोक व्यापारी है चेले। कौन है मुंबई वाला? 12। हाँ मैं हूँ, क्या है?
महेंद्र जी कहाँ है? हाँ? महेंद्र जी शहर में है क्या? नहीं है। कहाँ गए? तुम तो जानते हो वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो रामकृष्ण कोलकाता में ही है। क्या? हाँ, रामकृष्ण इधर ही है। सूर्या, तुमने किसी और को देखा होगा, रामकृष्णा यहाँ कैसे आएगा? मैंने अपनी आंखों से देखा। इतना ही नहीं, उसने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन मैं बच गया। वो दिल्ली में है, मैं बात करके आता हूँ, तुम रुको। वो रामकृष्ण किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचना चाहिए, मार दो उसे। क्या बेटा? दादा दादा मेरे साथ चलो ना, चलो ना दादा। दादा आप मटकी फोड़िए ना। Yeah.
कृष्णा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे देख क्या रहे, जल्दी करो। राम कृष्णा, राम कृष्णा, राम कृष्णा, अरे जल्दी कोई कुछ करो भाई, ले चलो, चलो चलो हॉस्पिटल लेकर चलो, चलो। राम कृष्णा, उठाओ 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 उठाओ, जल्दी चलो, चलो, हाँ, ले जाओ इस पर, ले जाओ आराम से, आराम से। राम कृष्णा, गुरु एक नए पेशेंट को लाए हैं, उसकी हालत बहुत खराब है गुरु। कहाँ है पेशेंट? उस तरफ है। हाँ, चलो चलो। पेशेंट यही है क्या? हाँ गुरु। बॉडी से कपड़ा हटाओ। स्टार्ट करो। ये ऑपरेशन ग्रैंड सक्सेस। चलो अब चाय मंगवाओ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ये सब पेशेंट हैं। इन्हें जीवन दान देने वाले डॉक्टर तुम हो। अच्छा जोक कर लेते हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तो यकीन हो गया कि इनमें भी जान होती है। अब बेकार के जोक छोड़कर मुद्दे पर आओ। देखो रामकृष्ण, मैं जितनी बार भी रिश्ते लेकर आया तुमने मना कर दिए। इस बार मैं डबल ओके और ट्रिपल ओके वाला रिश्ता लेकर आया हूँ। जरा देख लो, ये लो। गुरु चाय। क्या हो गया? कौन सी फोटो दे दी मैंने भी? इस बार लड़की जो दिखा रहा हूँ तुमको, वो कमाल की है। पूरी फैमिली टाइप की लड़की है। फैमिली टाइप यानी? कहीं वो जबान फिसल गई। मैं कह रहा था कि बड़ी खानदानी लड़की है ये। बेटा इसे देखना, कौन चाहिए? दहेज की बात मैं कर लूंगा ना। सचमुच? हाँ। अच्छा, वैसे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक अच्छा इंसान। अच्छा? हाँ। इधर आओ गुरु, ले जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हो? चल चिट्ठी। अरे रामकृष्णा, मैं हूँ यात्रा वाली दादी। ओ, आप हैं? पहचाना क्या? देश के सारे पवित्र तीर्थ स्थान देख लिए। आखिर मैं काशी में सेटल होने जा रही हूँ। सुनकर खुशी हुई। मुंबई से होते हुए जा रही हूँ, इसलिए सोचा तुझसे मिलकर जाऊँ। कब आ रही हो? बुधवार को आ रही हूँ। स्टेशन आके रिसीव करना। अच्छा ठीक है। अरे 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 अरे, क्या हुआ? भूलना नहीं। हाँ, हाँ, याद रहेगा, नहीं भूलूंगा। ए, बुधवार को दादी आ रही है, मुझे याद दिलाना। अच्छा गुरु जी, बुधवार तो आज ही है। आज ही बुधवार है? यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद है। The train arriving from Tirupati to Mumbai is running late. The inconvenience is regretted. Tirupati से मुंबई आने वाली गाड़ी एक घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद है। The train arriving from Tirupati to Mumbai is running late. The inconvenience is regretted. Thank you.
कृष्णा, राम कृष्णा, कृष्णा, यूज़लेस फेलो, अब तक स्टेशन क्यों नहीं आया? कृष्णा, राम कृष्णा, राम कृष्णा, 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 यूज़लेस फेलो। अरे अंधा है क्या? Don't touch me. Do you understand? Useless fellow. दिखता नहीं है गधों को. Your attention please. Train number 7002 Hussain Sagar Express from Mumbai to Hyderabad is ready to leave. जीवन के सफर में किसको कब कौन कहां मिल जाता है, इस बात का तो सबसे बड़ा साक्षी रेलवे स्टेशन है। पल भर में गाड़ी निकल जाती है और सिर्फ यादें रह जाती हैं। सेम ओल्ड स्टोरी। हेलो ब्रदर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। अरे पर मुझे यहाँ से जल्दी ले चलिए प्लीज, मुझे ले चले यहाँ से। कहाँ गई? पता नहीं उसे। उधर आए। गुरु, कुछ गुंडे यहाँ पर आपको ढूंढते हुए आए थे। वो लोग कह रहे थे गुरु कि तुम किसी लड़की को भगा कर ले आए हो। हमने बोला कि हमें कुछ नहीं पता, फिर भी पूरा तहस नहस कर दिया गुरु। कृष्णा दादी, ये क्या, ये तुम्हें क्या हो गया? हा? मेरी उम्र देखकर भी उन्हें दया नहीं आई, मुझे भी मारा। I'm sorry, very very sorry. ये सब मेरे कारण ही हुआ है। It's okay. पर आप हैं कौन? आखिर ये मामला क्या है? जी नहीं, मैं जानती हूँ। पहले ही मेरे कारण आपका बहुत नुकसान हुआ है। मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती, ये अच्छी बात नहीं होगी। Once again, I'm extremely sorry. मैं कहता हूँ नुकसान की बात छोड़ो, पहले बताओ प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारे पीछे जो लोग पड़े थे वो कौन है? मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं जाती हूँ। रुको, अगर तुम्हें जाना ही था तो अपना रास्ता छोड़कर मेरे साथ क्यों आई? पता नहीं। पता नहीं? ये अजीब सी फीलिंग है, आपको देखकर न जाने क्यों ऐसा लगा कि आप मेरे दिल के करीब हैं। अगर तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है तो फिर बताने में क्या दिक्कत है? बताओ, मुझसे जो मदद होगी मैं करूँगा। आपने महेंद्र का नाम सुना है? कौन है ये महेंद्र? प्रिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के महेंद्र की बेटी हूँ मैं। देश के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र की बेटी हो तुम? दुनिया के लिए तो वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पर वो एक अंधेरी दुनिया के
मालिक भी हैं ये बात कोई नहीं जानता। उनकी बेटी होने के बावजूद इतने दिनों तक मैं भी ये बात नहीं जानती थी। जब मेरी माँ गुजर गई तब मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद मुझे स्टेट्स भेज दिया गया। पिताजी कभी कभी मिलने आ जाते। इस बार एक प्लेजेंट सरप्राइज देने के लिए मैं खुद ही यहाँ बिना बताए चली आई। उनकी अंधेरी दुनिया को मैंने अपनी आंखों से देखा। ऊपर से उन्होंने मेरी शादी किसी बिजनेस डील की खातिर एक अंडरवर्ल्ड डॉन के बेटे के साथ फिक्स कर दी है। पर मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, इसलिए मैं वहां से भाग आई। पिताजी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए मैं ये सब बातें छुपाकर पढ़ाई के लिए वापस जा रही हूँ ऐसा कहकर इस ट्रेन में बैठी थी और फिर मुंबई आ पहुंची। उसके बाद जब मैंने आपको देखा तब आप मुझे अपने से लगे। अब आप ही देख लीजिए कि मेरे डैडी के हाथ कहां तक पहुंचे हैं। वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। रामकृष्णा, किसी भी तरह इस लड़की को बचा ले। मेरी चिंता मत कर, मैं यात्रा पर चली जाऊंगी। तू यहाँ से भाग जा कृष्णा। जैकी, दादी का ख्याल रखना। ठीक है गुरु। चलो गुरु। प्रिया, प्रिया, thank you।
विजयवाड़ा में पैदा होकर दिल्ली में सीबीआई ऑफिसर बनकर अब मुझे ट्रैप करने के लिए कोलकाता आया है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। हाँ, तुझ जैसे सिंसियर ऑफिसर को देखकर मुझे अच्छा लगता है। जो मुझे अच्छा लगता है उसे मारना मुझे और भी अच्छा लगता है। सर, मुंबई से एक अर्जेंट कॉल है सर। यस, हाँ 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 राघव राव गुड न्यूज, मेरी बेटी का पता चल गया है। 3 साल पहले लापता हुई थी मेरी बेटी, अभी वो सही सलामत है। मैं बहुत खुश हूं। कम ऑन मिस्टर राघव राव, कम ऑन गेट अप, आई से कम ऑन सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठो मेरे साथ खाना खाओ। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है, आई लव हर, यू नो मुझे कोई फूल से भी छूने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मेरी बेटी ने बचपन में ना जाने कितनी लातें मुझे मारी हैं। मिस्टर राघव राव, तुम्हारी भी तो कोई बेटी होगी ना, देखो उसे बहुत ज्यादा प्यार मत करना, सेंटिमेंटल हो जाओगे। हाँ, और सेंटिमेंटल लोग फूल बन जाते हैं। अरे लो ना, खाओ ना, ये लो खाओ। पिछले 3 सालों से मैंने कितना दर्द सहा है जानते हो तुम? ये ऐशो आराम, ये सारी दौलत मैं किसके लिए बना रहा हूं? अब मुझे कोई चिंता नहीं। मेरी प्रिया आ रही है ना। ये सब कुछ उसी के लिए तो है। मैं इस वक्त इतना खुश हूं, लगता है पागल हो जाऊंगा। मन कर रहा है कि 100 लोगों को खड़ा करके AK-47 से डग 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 मार के जश्न मना लूं मैं। ये बेहतर रहेगा या 2-4 सिटी बस को जलाना बेहतर होगा? महेंद्र जी, कालमूर्ति हरणं सर्वव्याधि निवारणं समस्त पापक्षयकरं श्री लक्ष्मीन्द्र सिंहस्वामी पादोदकं पावनं शुभं शुभम। मेरे पिताजी हवन कर रहे हैं, पोती तो उनकी जान है। ये क्या राघव राव, हो गया क्या? हाँ, ये लो घर जाओ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं सच कह रहा हूं, आज का दिन बहुत बड़ा है। बच गए तुम, जाओ, छोड़ दिया तुम्हें मैंने, जाओ आराम से, जाओ जाओ। क्या सर, आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? उसका बचना हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है, उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है। हाथ में आए हुए शिकार को जाने देना ठीक नहीं है सर, इट्स वेरी डेंजरस सर। खतरा हमारे लिए कोई नई बात नहीं, अगर हमारी जान पे कोई खतरा ही ना हो तो थ्रिल भी नहीं रहेगा। डोंट वरी, हम उससे निपट लेंगे। मुझे वो मैकेनिक चाहिए। 3 साल तक उसने मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है, उसे ढूंढ कर लाओ। पिताजी, प्रिया बेटी का पता चल गया है। तुम्हें जो करना है वो तुम करो। सुनिए सुनिए ना, सुनिए। क्या हुआ प्रिया, क्या बात है? वो हाथी आया क्या? हाथी नहीं जी, भूत है। भूत? भूत नहीं, राक्षस है। राक्षस? हाँ जी, वो कुछ प्रिया, क्या था वो? नहीं, मत जाइए। Wow!
अरे अपना बेटा है, शैतान कहीं का। मम्मी डर गई। मुझे डराता है तुझे तो? मम्मी साहब, मम्मी फिर से डर गई। थैंक यू। मैं सच में बहुत खुश हूँ। खुशी के मारे पानी की तरह मेरा मन भी नाच रहा है। सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। मैं हमेशा से ऐसी ही जिंदगी जीना चाहती थी, पर न जाने क्यों मुझे हमेशा एक डर सा लगा रहता है। मेरे पिताजी की छाया हमारे बेटे पर कभी ना आए, हम तीनों हमेशा ऐसे ही रहें। साहब साहब, क्या हुआ, क्या बात है? हाथी दलदल में गिर गया। रुकिए साहब, उसमें गिरे हुए को निकाल पाना संभव नहीं है, वो नहीं बचेगा। साहब, अरे मेरी बात तो सुनिए। मैम साहब, आप ही समझाइए, जान जा सकती है, समझाइए मैम साहब। सुनिए, उसे किसी भी तरह बचा लीजिए। रामकृष्ण, नमस्ते। मैं महेंद्र, प्रिया का पापा। अब जाके तसल्ली हुई है, इतने दिन से एक ही चिंता थी, मैं तुम्हें देख नहीं पाया। वजह यह है कि जिस बेटी को मैंने बड़े प्यार से 20 सालों तक पाला, वो मुझे छोड़ गई।
अब वो तुम्हारे साथ गई तो जरूर तुम्हें कोई खास बात तो होगी। बस मुझे आज तक अफसोस ये था कि तुम्हें मैं देख नहीं पाया था। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सिलेक्शन। प्रिया बेटी ठीक है ना? ठीक ही होगी, ख्याल रखा होगा तुमने। हमारी प्रिया जो करोड़ों के जायदाद की वारिस है, उसका लालच ना करके जो इन पेड़ पौधों के बीच तुमने उसे रखा है, इसका मतलब तुम्हारा प्यार बिल्कुल सच्चा है। वैसे मैंने सुना है कि तुम भी एक बेटे या फिर एक बेटी के बाप हो। नाइस, मिलते हैं, कोई शुभ मुहूर्त देखकर जल्दी ही मिलेंगे। ओके, बाय। डियर फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापार की दुनिया में राज करने वाले दो बड़ी कंपनियां, प्रिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, राव ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये दोनों आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने बेटे हरीश की शादी महेंद्र जी की बेटी प्रिया से करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि इस रिश्ते से हमारे व्यापार में और भी मजबूती आएगी। ये दोनों मिल गए मतलब कोई तो बड़ी प्लानिंग है। सबको मेरा नमस्कार। पिछले कुछ सालों से अमेरिका में बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रही मेरी बेटी प्रिया कल ही इंडिया आई है। उसने आजकल के बच्चों की तरह किसी से प्यार नहीं किया, बल्कि संस्कारी लड़की की तरह हमारी बात मानते हुए इस शादी को मान गई। इस संबंध में श्री सीपी राव के साथ रिश्ता जोड़ने की खुशी है मुझे, लेकिन बिजनेस के मामले में हम दोनों लोगों की कंपनियां एक दूसरे की कॉम्पिटिटर बनी रहेंगी। प्रिया बेटी, सारी तैयारी बहुत ही शानदार होने वाली है। टाइम बहुत ही कम है, इसीलिए सबको नहीं बुला पा रहा हूँ। तुम्हारे टेस्ट के मुताबिक हमारे स्टेटस को सूट करने लायक देश विदेश से बहुत सारी चीजें मंगाई हैं मैंने, कोई कमी नहीं होगी। शादी होने के बाद तुम अपने पति के साथ अपनी बाकी जिंदगी अमेरिका में पूरे ऐशो आराम के साथ बिताओगी। सारी सेटिंग कर दी है मैंने, मैं बहुत खुश हूँ बेटी। लगता है सारी खुशियां हासिल हो गई हैं। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ये सब देखकर कितना खुश होती। ये अफसोस जताने का समय नहीं है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे बहुत सारे काम है। ओके, देख प्रिया, मुझे जल्लाद मत बना। शुक्र है तेरा पति और बेटा जिंदा है। मैं पहले अलर्ट नहीं था, इसलिए तू उसके साथ भागने में कामयाब हो पाई। पर अब मैं पूरी तरह से चौकन्ना हूं, भागने का सोचना भी मत। मैं तुझे कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं तुझे सच्चाई बता रहा हूं। आएगा वो, रामकृष्ण आएगा यहां पर तुझे लेने के लिए, लेकिन वो यहां मौजूद रहेगा एक गेस्ट के रूप में। देख,
अगर तू एक संस्कारी लड़की की तरह सिर उठाकर शादी करेगी तो वो भी सुखी रहेगा, वरना मैंने क्या कहा था, मुझे जल्लाद बनने में देर नहीं लगेगी। सुनो बेटी, जो हुआ उसे भूल जाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं, वरना शादी के माहौल में खून खराबा हो जाएगा। अक्षत डालने वाले तुम्हारे हाथों को अपवित्र मत करना बेटी। क्या 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 क्या, महेंद्र जी के ऊपर केस करना चाहते हो तुम? महेंद्र जी के ऊपर केस करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। सर, न्याय की रक्षा करने वाले ही ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? मेरी हालत को समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज केस रजिस्टर कीजिए। अरे फिर वही बात, एक तरफ तो उनकी बेटी की शादी की तैयारियां हो रही और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि ऑलरेडी उसकी शादी तुमसे हो चुकी है। पागल हो गया क्या? मेरी बात सुन, कुछ दिन पहले उनके खिलाफ केस दर्ज कराने का आदमी यहाँ आया था, आज वो जेल की हवा खा रहा है। पर मैं केस वेस कुछ नहीं होगा, मैं बहुत बिजी हूँ। तो आप मेरा केस नहीं लिखेंगे? अरे यार, इतना समझाने के बाद भी तू उसी बात पे अटका हुआ है। अबे तू पागल खाने से भाग के आया है क्या, या फिर पुलिस स्टेशन को पागल खाना बनाना चाहता है तू? पिछले एक घंटे से मैं तेरे से बात करो मगर तेरी समझ। शट अप! क्या 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 क्या, पुलिस वाले को धमकी देगा तू? तुझे क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? हाँ समझ ले, तूने इस वर्दी की और इस कुर्सी की इंसल्ट की है, मैं अब केस कभी नहीं लिखूंगा। तुझे जो करना है वो कर ले, जा। कानून को हाथ में लेना नहीं चाहता था इसलिए मैं यहाँ आया था। अपनी पत्नी को वापस कैसे लाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुनो मिस्टर, तुम किस पे इल्जाम लगा रहे हो जानते हो ना? जानता हूँ। आगे इसका जो भी परिणाम होगा उसे तुम भुगतने के लिए तैयार रहना। मेरे बेटे को उसकी माँ से मिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक बड़े आदमी के परिवार की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए जब तक हमें यकीन नहीं होगा हम FIR नहीं करेंगे। हम अभी ही महेंद्र जी के घर जाते हैं, चलो। चलिए सर। हेलो। हाय। अरे ये क्या, SP साहब आज यूनिफॉर्म में आ रहे? कभी कभी इन्हें संभालना मुश्किल होता है। डोंट वरी, मैं देखता हूं, आई विल हैंडल इट। वेलकम SP साहब। सोचा था मुहूर्त के दिन आएंगे आप, पहले आने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। बाय द वे, ये कौन है, पहचाना नहीं मैंने, आपके दोस्त हैं क्या? हेलो सर, आप सिर्फ बेटे के साथ आए, मिसेस को नहीं लाए? तेरी तो रुको। सर, आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए ना। दरअसल आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहिए था। इसका नाम रामकृष्णा है, आपकी बेटी प्रिया से इनकी 3 साल पहले ही शादी हो चुकी है, ये बच्चा इन दोनों का बेटा है और आप अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा रहे हैं, ऐसा इनका दावा है। बकवास है। जब बड़े लोगों के घर में शादियां होती हैं तो इस तरह के ब्लैकमेलर पैसे कमाने के लिए आ ही जाते हैं। रुको। ओके, स्टॉप इट। देखिए, इसकी बातें झूठी हैं। मेरी बेटी कल ही अमेरिका से आई है। यू कैन गो नाउ प्लीज। सर, यही बात मेरे सामने अपनी बेटी से बुलवा दीजिए तो अच्छा होगा। हाउ डेयर यू, अपनी बेटी को बुलाओ मैं? आउट आउट। नहीं, जब इल्जाम लगता है तभी उसे गलत साबित करो। SP साहब जो कह रहे हैं वो ठीक ही है, अगर प्रिया ने कह दिया वो इसे नहीं पहचानती तो SP साहब को तसल्ली हो जाएगी। ओके। प्रिया बेटी, प्रिया, ये लोग तुम्हें मम्मी नो, मुझे मम्मी के पास जाना है, छोड़ो। मतलब इसे भी अच्छी तरह से ट्रेन करके लाए हो। प्रिया, थोड़ी देर में तुम्हारी शादी होने वाली है, किसी भी सूरत में एक पिता जो ऐसी बातें नहीं सुन सकता वो सुननी पड़ रही है मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? मेरे पास कोई चारा नहीं है इसलिए तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये आदमी कह रहा है कि इससे तुम्हारी शादी हुई है और ये कह रहा है कि मैं तुम्हें किडनैप करके तुम्हारी दूसरी शादी करवा रहा हूँ। अरे दुनिया में कोई भी बाप बेटी के पति और बेटे के होते हुए उसकी दूसरी शादी करवा सकता है क्या? मैंने मना किया तो यकीन नहीं कर रहे मुझ पर। अब तुम्हें ही इन लोगों को सच बताना होगा। बता दो, कह दो। मम्मी
एसपी साहब, ये जो कह रहे हैं वो सच है। ये मेरे पति हैं और ये मेरा बेटा है। प्रिया। महेंद्र, तूने पूछा था ना मेरी मिसेस कहाँ है? ये है मेरी मिसेस, श्रीमती प्रिया रामकृष्णा। रामकृष्णा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। थैंक यू सर। मिस्टर महेंद्र। वारिस ना होने की फिक्र क्यों करते हो? अपनी प्रिया की कोख से जन्मा वो बेटा है ना, वो प्रिया का ही तो खून है। उसका बाप कौन है ये दुनिया नहीं जानती, पर उसके नाना तो तुम हो। अगर समझ गए तो फिर चिंता मत करो। रामकृष्ण नाम के इस आदमी ने बिना सोचे समझे बुरी नियत से प्रमुख उद्योगपति श्री महेंद्र जी की बेटी प्रिया से अपनी शादी होने का दावा करके कानून की आंखों में धूल झोंका है। इतना ही नहीं, महेंद्र जी की इज्जत को इसने मिट्टी में मिलाया और यही आदमी प्रिया की मौत का जिम्मेदार भी है। और पुलिस ने सारे सबूतों के साथ इस आदमी के खिलाफ केस दर्ज किया है। देखा ना कैसे केस को उल्टा दिया मैंने? तू तो आफ्टर ऑल एक मोटर मैकेनिक है, तेरी औकात क्या उनके सामने? आज तू जेल में है, कल महेंद्र जी तेरे साथ क्या करेंगे कोई नहीं जानता। तेरे टुकड़े टुकड़े करके वो कुत्तों को भी खिला सकते हैं। ओ, उनके कुत्ते बहुत महंगा गोश्त खाते हैं, शायद गरीब का गोश्त ही ना खाए। अबे गूंगे, तेरी इतनी हिम्मत! ये क्या बक रहा है तू? अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा तो तेरी जबान खींचूंगा। तुम गूंगे नहीं हो बेटा, तुम एक दिन जरूर बात करोगे। तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। Thank you.
नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे को मुझसे मत छीनो, नहीं छोड़, मेरे नाती को छोड़, वो मेरा बेटा है। तेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी का बेटा है, मेरे वंश का इकलौता वारिस है ये, इसे मैं अंडरवर्ल्ड का किंग बनाऊंगा, काली दुनिया का ये बादशाह बनेगा। दूध पीने वाले इस बच्चे को आज से ही खून पिलाकर राक्षस बनाऊंगा मैं। छोड़ इसे। वक्त के साथ साथ उनके जुल्म भी बढ़ते जा रहे हैं। उसकी आसानी से मौत नहीं होगी, बहुत बुरी तरह मरेगा वो। बेचारा बच्चा अपने पिता के लिए कितना तड़प रहा होगा। वही तो, हमदर्दी के अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? इनके बच्चे को ले जाने का हक उन्हें किसने दिया? चलिए हम जाकर उसे यहाँ ले आते हैं। एक बच्चे को उसके पिता से जुदा करना कितना बड़ा गुनाह है पता है? अगर मुझे मिला तो छोड़ूंगी नहीं उसे। लोगों के सामने इज्जत उतर जाएगी तो खुद ही लाकर उसे यहाँ छोड़ देगा। तब भी अगर उसे अकल नहीं आई तो सबके सामने चार चांटे लगाऊंगी। पता नहीं खुद को समझता क्या है। देखो, तुम लोग उस महेंद्र को, रामकृष्ण पर जुल्म करने वाला एक आदमी है बस इतना ही जानते हो ना, लेकिन वो एक मामूली आदमी नहीं है। उसके इशारों पर पूरी दुनिया नाचती है, और अगर ऐसा आदमी रामकृष्ण के बेटे को अपना वारिस बनाने का फैसला करता है तो जहां तक मैं समझता हूं कि उसे भगवान भी नहीं रोक सकता। इस शहर से अगर मैं वापस जाऊंगा तो अपने बेटे को लेकर ही। बच्चा अभी नींद से नहीं उठा? जी नहीं। ये कौन है? आपका पोता। नो, मेरा वारिस, कल का गॉडफादर। गॉडफादर कैसा होना चाहिए? दुश्मनों की नींद हराम करने वाला। इसे उनके दिल में सोना चाहिए, ऐसे बिस्तर पर नहीं। आजा, आजा। माय डियर लिल स्टार, सुबह सुबह तुम्हें उठना होगा, तैयार होना होगा। गुड। और हाँ, तुझे तैरना आता है? नहीं आता? क्यों नहीं आता? वो भी आ जाएगा। सांसें उखड़ने से ही तैरना सीखेगा। इसे तो बचपन से ही खतरों से बचकर निकलना आना चाहिए। देखो ना, बाहर निकलने के लिए कैसे तड़प रहा है। तकलीफ सहकर ही गॉडफादर बनेगा, नहीं तो गॉड के पास पहुंचा दूंगा। दुश्मन की जान हो या अपनी जान, दया नहीं चाहिए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। या कम 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 कम। गुड 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 गुड, वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। पद्मावती, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? वासु के दिए सारे खत जला रही हो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? वासु के प्यार भरे खतों को इस तरह जला रही हो? अगर वासु का नाम लिया तो आपको भी इसी के साथ जला दूंगी। लेकिन मैंने क्या गलती की है? मुझे तो उसके नाम से ही नफरत है, भाड़ में जाए उसका प्यार। आप जरा यहाँ आइए। क्या है? क्या क्या है? आपको प्यार का मतलब भी पता है? नहीं पता। प्यार प्यार करके अपनी मीठी बातों में फंसा कर मुझे इस शहर में ले आया वो। ऐसा क्या? और मेरे सारे गहने लेकर भाग गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आसपास कोई नहीं है इसीलिए बचा हुआ हूँ, नहीं तो लोग मुझे वासु समझकर धो देते। सुनिए, प्यार का मतलब सिर्फ कविता लिखना और खून से लेटर लिखना नहीं होता है, उसे पागलपन कहते हैं, प्यार नहीं। पत्नी की मौत के बाद भी उसे अपने दिल के मंदिर में बसाकर उसकी पूजा करने वाले रामकृष्ण का प्यार ही सच्चा है। इतनी कम उम्र में तुमने कितनी मुश्किलें झेली हैं। क्या कहा? मुझे इस हालात में लाकर मुझ पर तरस दिखा रहे हो? मैं क्यों तरस खाऊंगा? मैं कोई वासु थोड़ी हूँ। तुम वासु नहीं हो, मुझे पता है। वासु पर मुझे अपना गुस्सा निकालना है, उसे जमकर पीटना चाहती हूँ मैं, इसलिए तुम्हें वासु समझकर मारूं क्या? मुझे वासु समझकर मारूंगी?
अरे अरे ये तो सचमुच मार रही है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या हो गया? अब तुम क्या करोगी पद्मावती? क्या करूँगी? कुछ भी करूँगी मैं। कोलकाता आकर धोखा खाया इस बात का दुख नहीं है मुझे। मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। थोड़ा बहुत संगीत और डांस जानती हूँ, वही सिखाकर अपना गुजारा कर लूंगी। लेकिन किसी दूसरे की वजह से रो रो कर जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। हाँ, इतनी दुनियादारी तो मैं भी जानती हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? बेटे का पता लगाने के लिए। हाँ, पर... मैं ठीक हूँ। जख्म भरने से पहले आपका बाहर जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं कब तक? दादा दादा दादा, आपका बच्चा जल्दी मिलने के लिए मैं काली माँ की पूजा करके आया हूँ। आप चिंता मत करो, आपका बेटा जल्दी मिल जाएगा। आपने मुझे किस क्यों किया दादा? तुमने मुझे हेल्प की इसलिए, ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। दीदी ने भी आपकी हेल्प की ना, तो इनको भी किस करो। कृष्णा, आता हूँ। चलो होटल चलते हैं। कार यही पार्क की थी, कहाँ गई? अरे कार यहां से वहां कैसे पहुंच गई? क्या? देखता हूं। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानता, मेरा विश्वास करो। महेंद्र जी कब कहाँ रहते हैं हम भी नहीं जानते। लेकिन तुम्हें देखे बिना तुम्हारा बेटा बीमार पड़ गया है। उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। बहुत सारे डॉक्टर्स देख चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है उसे। अब तो डॉक्टर धीरे धीरे जवाब भी दे रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो प्लीज। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज। मैंने अपने बेटे को देखा पद्मा, मैंने उसे देखा, मैंने उसे गाड़ी में देखा। सच कह रहा हूँ पद्मा, डॉक्टरों के बीच बेचारा लेटा हुआ था, पल भर के लिए देखा फिर गायब हो गया। बेटे की हालत खराब लग रही थी, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। छे छे, बाप होकर मैं भी ये क्या सोच रहा हूँ, तभी तो मुझे ऐसी सजा मिली। इस तरह से सड़क के बीच भागना ठीक है क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जितना वो तुम्हारे लिए कीमती है उतना ही तुम हो उसके लिए। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। वहाँ देखो, बंगाल हिंदू एसोसिएशन आयोजित कल्चरल प्रोग्राम्स, चीफ गेस्ट मिस्टर महेंद्र। बता, मेरा बेटा कहाँ है?
पता नहीं। बता दे, बता। पानी। बताया कि नहीं बच्चा कहाँ है? अभी तक नहीं बताया, पर बता देगा। महेंद्र जब तक अपने पास है समझो बाबू मिल जाएगा। वो इस समय बेहोश हो गया है, यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? मैं तुझे, तुझे तो मैं आदमी नहीं है, वो आम आदमी नहीं है। वो आम आदमी नहीं है, वो आम आदमी नहीं है। हाँ वो आम आदमी नहीं है, वो कोई आम आदमी नहीं है। वो कोई आम आदमी नहीं है। वो कोई आम आदमी नहीं है। महेंद्र, बच्चे की हालत अच्छी नहीं है। बच्चे को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे उसके पिता से मिलवा दीजिए। मिलवाना पड़ेगा, इससे बेहतर कोई इलाज मेरी जानकारी में तो नहीं है। हाँ, और मेरी जानकारी में इससे बेहतर सजा कोई नहीं। उसे मरना होगा, वो बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं बच्चे को लेकर अमेरिका जा रहा हूं, मेरे अमेरिका जाने से पहले उसे मरना होगा। ध्यान रहे, वो आम आदमी नहीं है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। वो काला नाग है और तुमने उसके फन के ऊपर हाथ रख दिया, वो चुप नहीं बैठेगा, पूरी कॉलोनी का सर्वनाश कर देगा वो। अपना इरादा बदल दो, तुम्हारे बच्चे को कम से कम इतना तो संतोष होगा कि उसका बाप कहीं जिंदा है। मेहरबानी करके तुम यहाँ से चले जाओ रामकृष्णा,
चले जाओ रामकृष्ण। वो या मैं, एक ही जिंदा बचेगा। मेरे बेटे को कहां छुपाया है बता। नहीं, आज रात बच्चे को लेकर महेंद्र अमेरिका जा रहा है।
रामकृष्णा, क्या हुआ पद्मा? बोलो क्या हुआ? महेंद्र अभी अभी उठाकर कहाँ ले गया है? Oh!
पद्मावती, समझ में नहीं आता इस मदद के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा कर पाऊंगा। Anyhow, थैंक यू वेरी मच। एक तरफ अपने बेटे को पाने की खुशी है तो दूसरी तरफ तुम सबको छोड़ने का गम भी। अजीब महसूस कर रहा हूं इस वक्त मैं। खैर जो भी हो, मुझे जाना पड़ेगा पद्मा। अच्छा चलता हूं। समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ, पर ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसके लिए आई हूँ।